प्राकृतिक आपदा कल आई है और हमारे किसानों की फसल भी वहाँ खराब हुई है। स्वयं ही मैं उस क्षेत्र के अंदर गया था, हमारे विधायक राम कुमार जी और हमारे जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी और हरविंदर कल्याण जी का भी कल फोन आया था। हरविंदर कल्याण जी ने भी कहा कि आप वहाँ पर ज़रूर आएँ और मैं आज उस क्षेत्र का दौरा किया है। मैंने कल ही इस बात के आदेश कर दिए थे कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको खोला जाए और हर गांव के अंदर आज हमने सभी ने कहीं पटवारी को भेजा है, कहीं कानूनगो को भेजा है, कहीं तहसीलदार को भेजा है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर पटवारी, कानूनगो या तहसीलदार ना हो। वो फिजिकल भी जा करके जो नुकसान हमारे किसान का इस ओलावृष्टि के कारण हुआ है ताकि उसकी भरपाई की जा सके, उसके हमने आदेश दिए हैं। और हमारे किसान को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले भी सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी थी और अब भी किसानों के साथ खड़ी है। जल्दी ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसकी भरपाई करने का काम वो किया जाए। आज यहाँ करनाल का दौरे पे हैं, आज कई कार्यक्रम रखे गए हैं इलेक्शन को लेकर। हाँ, आज यहाँ मैं दोपहर से कई कार्यक्रमों का लोगों से मिलने का है, उनसे बैठने का है, बातचीत करने का है क्योंकि यहाँ से चुनाव है और दो कमल के फूल यहाँ से खिलने हैं। मनोहर लाल जी कमल का फूल लेकर के दिल्ली में जाएंगे और करनाल की जनता एक कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ में जाएगी। उसके लिए मैं लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, बातचीत करने के लिए आया हूँ क्योंकि पिछले दिनों में जो काम हुए हैं करनाल की एक नई तस्वीर बदलने का काम इन 10 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर ये मनोहर लाल जी ने किया है। उन कामों को हम आगे बढ़ाने का काम मजबूती से करेंगे। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि मजबूरी में फैसला लिया गया था। वो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं जो हमने साथ दिया था वो हमारे से गलती हो गई। गलती हुई है फिर उसको पश्चाताप उनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए उसका पश्चाताप अगर उनसे कोई गलती हुई है। परंतु हम ये कहते हैं कि मनोहर लाल जी के कार्यकाल में, क्योंकि उनका कार्यकाल भी देखा है, जिस प्रकार का कार्यकाल उनका रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की एक नई गति दी है, विकास की एक नई दिशा तय की है, चाहे देश है चाहे प्रदेश है, हर लोगों तक विकास को गति से पहुंचाने का काम किया और जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करने का काम यह हमारी डबलिंग। अभय चौटाला जी ने कहा है कि पहले चरण क्या परिणाम नहीं, देखिए लोगों का जो उत्साह जो जोश देखने को मिलता था नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को वो अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि गरीब तक ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ पहुँची हैं, उनका लाभ पहुँचा है और लोग बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और जितने सीटों के ऊपर चुनाव हुआ है कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की ही सीटें बड़े मैंडेट के साथ हुआ है। नहीं देखिए ये कई कारण हो सकते हैं क्योंकि फसल अभी पीक पे है और हर व्यक्ति लगा हुआ है। हमने फिर भी लोगों से आग्रह किया था कि काम को छोड़ करके इस देश के राष्ट्र के विकास के लिए वोट पोल करें और लोग उस बात को भी समझ रहे हैं, परंतु समय का ऐसा है क्योंकि फसल का पीक है, हर व्यक्ति उसके अंदर लगा हुआ है, बीजी है, उनका विश्वास खो चुका है। अब वो कभी किसी को समर्थन देता हुआ घूम रहा, कभी किसी को समर्थन देता हुआ घूम रहा, दे ले भाई तेरे पास जो कुछ है या तभी दे ले और क्या। सीटी के स्टूडेंट ने कहा है कि हमारे बीच में हमारे माननीय बरौंडा के विधायक श्री अरविंद्र कल्याण जी जो हमारी लोकसभा के सोचक है वो भी पहुंचे, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में माननीय संजय भटला जी पहुंचे, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में हमारे करनाल जिला के जिला अध्यक्ष माननीय श्री योगेंद्र से भी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। जितने भी साथ में खड़े वो भी अपना हम थोड़ा लेके जा रहे हैं। राज सिंह चौहान व प्रकाश सिंह चौहान से प्रार्थना करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। राज सिंह जी, प्रकाश सिंह जी, एक बार जोरदार ताड़ियों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।